हेलो और नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल अभिषेक बाबू चैनल में आपका स्वागत है। और गाइज, आज की जो वीडियो है वो CCS यूनिवर्सिटी यानी कि चौधरी चरण सिंह है मेरठ की जो यूनिवर्सिटी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और मोस्टली इम्पोर्टेंट अपडेट है। जी हाँ गाइज, तो आज की वीडियो रहने वाली है आपके लिए बहुत ज़्यादा खास। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही हम आपको खास खास वीडियोज लाते रहते हैं जिससे कि आप लोग अलर्ट रह सकें। साथ में आपको बताना चाहेंगे कि आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं री एग्जाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। सबसे पहली जानकारी रहेगी एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं, और दूसरी जानकारी रहेगी कि री एग्जाम की लास्ट डेट कब थी, कब है, क्या रहेगा री एग्जाम का प्रोसेस। तो चलिए गाइज, आपको सभी जानकारियां प्रोवाइड करते हैं। एडमिट कार्ड कब मिलेगा चलिए आपको बताएं। तो गाइज, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस समय आप चौधरी चरण सिंह की यूनिवर्सिटी जो है उसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर हैं आप। और हम यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं बैक एग्जामिनेशन के 2019 के, ठीक है, जो कि आपने 18-19 के लिए एग्जाम के लिए अप्लाई किया है उसके जो एडमिट कार्ड है वो कब आ रहे हैं बैक पेपर के, चलिए आपको बताते हैं। तो गाइज, काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे मुझे और कह रहे थे कि सर प्लीज़ एडमिट कार्ड के बारे में बताएं, हम लोगों ने अपना फॉर्म फिल कर दिया है री एग्ज़ाम का, एडमिट कार्ड कब आएंगे और एग्जाम्स कब होंगे, काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे। तो गाइज, एडमिट कार्ड जो है आपके वो अगस्त के लास्ट वीक में आएंगे, ठीक है। अगस्त स्टार्ट हुई है, अगस्त के लास्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। और लास्ट वीक में जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे, एडमिट कार्ड जो वेबसाइट पर रहेगा ऑनलाइन वो आपका सिर्फ और सिर्फ 6 से 5 दिन रहेगा, ठीक है। उसके बाद में एडमिट कार्ड का शेड्यूल है वो हट जाता है। तो जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड का अपडेट जैसे ही आएगा बैक पेपर वाले स्टूडेंट्स के लिए, मैं तुरंत आपके लिए वीडियो बना दूंगा जिससे कि आप अपने एडमिट कार्ड को जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लें, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके अपनी PDF का प्रिंटआउट निकलवा सकें, ठीक है। क्योंकि एडमिट कार्ड 5 से 6 दिन रहेगा और उसके बाद में हटा दिया जाता है वेबसाइट से, फिर आपको दिक्कत होगी। तो मैं आपके लिए तुरंत अलर्ट कर दूंगा वीडियो बना करके कि एडमिट कार्ड भाई डाउनलोड कर लीजिए, आपकी लिंक जो है आ चुकी है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि CCS यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। अब गाइस, दूसरा अपडेट ये है कि भाई चौधरी चरण सिंह के जो री एग्ज़ाम के फॉर्म थे ऑनलाइन वो आज लास्ट डेट हो चुकी है। 6 अगस्त लास्ट डेट थी और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो 6 अगस्त लास्ट डेट थी और जो ऑफलाइन फॉर्म फिल किए गए हैं उसकी लास्ट डेट कल है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने आज ऑनलाइन फिल नहीं कर पाया है तो आप कल जाकर के सुबह ही मॉर्निंग में अपने कॉलेज से ऑफलाइन फिल कर दें तुरंत जल्दी से जल्दी। और अगर कॉलेज वाले भी नहीं देते हैं तो आप डायरेक्टली जो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जाकर के फिल कर दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कल की आपके पास डेटिंग है, ठीक है, उसके बाद फिर नहीं कुछ हो सकता। तो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे तो मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक देता रहूँगा, री एग्ज़ाम कैसा होगा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरी सभी वीडियोज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और सभी वीडियोज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सभी वीडियो देखने के लिए फिर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।